ओम शांति, ओम शांति। मानवताओं को आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है, सब कुछ है। इसलिए विश्व के अंदर सारे विश्वविद्यालय है, उस सारे विश्वविद्यालय प्लानिंग बनाने लिए कमेटी है। तो वो कहते हैं हमारे पढ़ाई के अंदर आध्यात्मिकता नहीं है, उसके कारण आज इतनी यूनिवर्सिटीज चलती है, इतनी पढ़ाई पर लोग जाते, चंद्रमा पर जाते, मंगल ग्रह पर भी गए। भारत के अंदर देखो, 1 सेकंड यहां से कहां दुनिया के उस कोने तक पहुंच सकते हैं, सब कुछ साइंस ने किया, लेकिन अभी भी मन में शांति नहीं है, संतुष्टता नहीं है। वो कहां मिलेंगी? सब कुछ है, शांति कहां मिलेगी? तो आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। तो आध्यात्मिक ज्ञान क्या है आप पूछेंगे? बहुत कुछ नहीं, बहुत सहज शब्द है। सारा विश्व एक हाथ से नमस्ते करता है, सिर्फ एक भारत देश है, दो हाथ जोड़ता है। दो हाथ जोड़ने को नमस्ते कहते हैं। तो दो चीज है इस ब्रह्मांड के अंदर, दो चीज है, एक प्रकृति और एक पुरुष। प्रकृति 5 तत्वों से बनी हुई है, उसके 5 गुण हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अग्नि गर्म है, पानी ठंडा है, उससे ये शरीर बना हुआ है। इस शरीर को कौन चलाता है? जो आत्मा, उसका ज्ञान आज तक कहीं भी नहीं। गीता में कहा है, अर्जुन अपने को आत्मा समझो। स्वामी विवेकानंद जी भी कहा कि आत्मा है, लेकिन ये आत्मा कहां से आती है? ये आत्मा इस शरीर में कहां है? आत्मा शरीर में रहकर क्या करती है? आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कहां गया? बच्चा जन्मते ही लंगड़ा, अंधा, काला, गोरा, गरीब, श्रीमंत कौन कर रहा है? भगवान ऐसा करेगा? किसी को जन्मते उस बच्चे ने क्या गलत किया? लंगड़ा, अंधा, बीमार कौन कर रहा है? इसको कहा कर्मों की गति।